चैप्टर 15 है इमर्जेंस ऑफ गन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एंड होने वाला था, या कहना चाहिए बिल्कुल खत्म ही होने की कगार पे था, तो उस टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस जो है वो काम कर रहे थे इंडियन और इंटरनेशनल सीन में। जब वॉर खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं ये जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी इनकी दोबारा से एक तरह से एक्टिव हो गई वो। और ये खाली इंडिया में ही नहीं हुई, जो और बाकी कॉलोनीज थी एशिया अफ्रीका वहाँ सब जगह एक्टिव हो गई। इंडियन स्ट्रगल जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, इसने एक डिसाइसिव टर्न तब लिया, यानी कि ये जो है एक बहुत ही बहुत बड़ा पॉपुलर स्ट्रगल बना, जब इमरजेंस हुई एम के गांधी की, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी की। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्च नाउ। वॉर के बाद जो इंडिया में कंडीशंस हो गई थी, या जो प्रभाव पड़ रहा था अब्रॉड से, उसने एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था जिसमें अब नेशनल स्ट्रगल जो है वो पूरी तरीके से, या नेशनल एक अफसर जो है वो फॉरेन रूल के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। इसमें जो पहली कंडीशन थी वो थी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप। इंडिया ने अपना पूरी तरह से योगदान दिया था मैन और मनी के साथ ब्रिटिश के जो भी वॉर एफर्ट्स थे उसमें। अब इसमें लगभग हजारों से ज्यादा, या कहते हजारों की संख्या में इंडियन लोग जो है वो मारे गए। दूसरी तरफ जो फूड सप्लाई थी, एमिनिशन थी, आर्मी थी, इन सब के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था वो भी इंडियंस को ही टैक्स करके लिया जा रहा था। जब वॉर खत्म हुआ तो सारे सेक्शन जो इंडियन पॉपुलेशन के थे, उन्होंने सब ने जो है बहुत ज्यादा हार्डशिप्स को झेला। अब इसमें सबसे पहले ले लेते हैं इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में क्या हार्डशिप्स हो रही थी, एक तो दाम बढ़ रहे थे, रिसेशन था, रिसेशन के साथ साथ इंक्रीज हो रहा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इंडस्ट्रीज थी अब बिल्कुल ऐसी कगार पे खड़ी थी, या तो बंद हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि तुम जो गवर्नमेंट एड दे रहे हो उसके अलावा हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए जो इम्पोर्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट। दूसरी थी कंडीशन वर्कर्स और आर्टिसंस की। वर्कर्स और आर्टिसन अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे, साथ ही साथ जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बढ़ते चले जा रहे थे। पीजेंट्री उसको हाई टैक्सेशन और पॉवर्टी झेलनी पड़ रही थी, और वो वेट कर रही थी कि कोई उनको लीड मिले और वो प्रोटेस्ट करें। सोल्जर्स जो कि बैटल फील्ड में गए थे अब्रॉड, जब वो वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने जो अपना अनुभव था वो रूरल फोक को बताया, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए ये देख के कि हमारी कंट्री बिल्कुल इम्पॉवरिश हो चुकी है और उसको बहुत कम लिबर्टी मिल रही है जितनी कि पहले मिलती थी। एजुकेटेड अर्बन क्लास अगेन वो एम्प्लॉयमेंट फेस कर रही थी, और ख़ास तौर से सफ़र कर रही थी रेसिज्म से, क्योंकि एटीट्यूड जो ब्रिटिश का था वो बहुत ज़्यादा एक्यूट रेसिज्म का था। एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन द वॉर। जो भी ब्रिटिश के वॉर एफर्ट्स हुए उसमें इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था, और उसके ऊपर किसी ने जो है एक्नॉलेज भी नहीं किया, उसके ऊपर कोई ज़्यादा उन्होंने एप्रिसिएशन भी नहीं की। गांधी जी या जो और नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना पूरी तरह से सहयोग इसलिए दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था, जबकि इस वॉर फ्रंट में कितने सारे इंडियन ट्रूप्स जो थे उनकी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई, तो इनको ये था कि अगर हम अपना इस तरह से सहयोग करेंगे तो वॉर के बाद उनकी उम्मीद थी कि पॉलिटिकल गेन मिलेगा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और लेकिन उन्होंने कहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, और इन लोगों का ये जो एक तरह से योगदान था, जो एक एक्सपेक्टेशन थी, यही इसी ने जो है कहीं ना कहीं जो एटमोसफियर था कंट्री का वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर दिया। रीकैप, नेशनलिस्ट डिसिल्यूजनमेंट विद इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। जो भी अलाइड पावर्स थी उस टाइम पर, उन्होंने क्या किया कि कॉलोनीज जो है उनके फेवर में उनकी तरफ से वॉर में लड़े, इसकी वजह से उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम तुम्हें डेमोक्रेसी भी देंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी देंगे वॉर के बाद। अब वॉर के टाइम पर दोनों ही पार्टीज ने जो है बहुत ही गंदे प्रचार किए ताकि एक दूसरे की जो छवि है उसको ख़राब कर सकें, और इससे क्या हुआ कि और एक्सपोज कर सके जो एक अनसिविलाइज कॉलोनियल रिकॉर्ड है एक दूसरे का, उसको सामने ला सके। तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई या जो और बाकी पीस ट्रीटीज थी उनसे ये बात बिल्कुल साफ हुई कि इंपीरियलिस्ट पावर जो है उनका कहीं कोई इरादा नहीं है कि वो अपना जो एक पकड़ है कॉलोनीज के ऊपर उसको जरा सी भी ढीली पड़ने दें। दूसरा, जो भी वैंक्विश्ड पावर्स थी, यानी जो पावर्स हार गई थी, उनकी भी कॉलोनीज जो है ये लोग आपस में डिवाइड करने के लिए शुद्ध उतावले हो रहे थे। कहीं एक मिथ थी कि कल्चरल और मिलिट्री सुपीरियरिटी वाइट्स को लेकर वो भी इस टाइम पे एक तरह से उखड़ चुकी थी। तो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, इसमें रिसर्जेंस हुई मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज की, और ये हुई थ्रू आउट एशिया एंड अफ्रीका।
टर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना और कोरिया, ये सब इनमें जो है यहाँ पर ये जो रिसर्जेंस होती है मिलिटेंट नेशनल एक्टिविटीज की, ये देखने को जरूरत है। इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन रीकैप। बोल्शेविक पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्होंने ज़ारिस्ट रजमी को जो है एक तरह से हटा दिया और एक नए सोशलिस्ट स्टेट का गठन किया जिसका नाम था सोवियत यूनियन। इसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर इलिच यूलियनोव या लेनिन कह सकते हैं। सोवियत यूनियन जो था, अब उन्होंने क्या किया, यूनिलैटरली पूरी तरह से त्याग दिए जो ज़ारिस्ट इंपीरियल राइट्स थी चाइना के अंदर या बाकी एशिया के अंदर, सबको बिल्कुल छोड़ दिया। खुद जो उन्होंने खुद की राइट्स दी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, फॉर्मर ज़ारिस्ट कॉलोनीज जो एशिया में थी उनको भी, साथ ही साथ इक्वल स्टेटस दिया एशियन नेशनैलिटीज को जो उनके बॉर्डर के अंदर आती थी उनको। तो हम कह सकते हैं जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था ये कहीं ना कहीं एक मैसेज लेकर आया अपनी तरफ कि लोग जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो मासेस होते हैं वो केपेबल हो सकते हैं कि चैलेंज कर सके जो माइटीएस्ट होता है टायरेंट्स का उनको भी, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, यूनाइटेड होनी चाहिए और डिटरमिन्ड।